हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज वेडनेसडे के दिन का मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे मंथली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी अपन है बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और आज एक हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिली थी। उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की रेंज के अंदर हमें ट्रेड होते देखने मिला था बैंक निफ्टी। अगर अपन मार्क करके देखें तो कुछ इस टाइप का अपन को बॉक्स बनते हुए देखने को मिला था, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है अराउंड, अगर अपन बात करें ये वाली कैंडल से जो कि है 9:40 वाली कैंडल से, वहां से एक अपन को बहुत अच्छा वन वे मोमेंटम, बहुत अच्छे प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला 350 पॉइंट्स अप्रॉक्स के आसपास का। तो जो भी ये वाला बॉक्स मार्क किया होगा उसे एक बहुत अच्छी अपसाइड मोमेंटम कैप्चर करने को देखने को मिला होगा। उसके बाद एक हमें वापस से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा देखने को मिला था मार्केट में, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें जरूर देखने को मिलता है। और अगर उसके बाद बात करें तो एक और हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला है, उसके लिए अपन इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते थे। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अगर अपन ऐसे मार्क करेंगे तो ब्रेकआउट कैंडल हमें 2:35 वाली कैंडल से देखने को मिला, और वहाँ से एक हमें भी वापस एक वन वे मोमेंटम, एक अच्छा स्विंग लेवल बनाते हुए वन वे मोमेंटम 270 पॉइंट्स का सेकंड हाफ में देखने को मिला है 2 के बाद का। तो आज हमें दो बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में, जिसको अपन इस बॉक्स और ये ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर कर सकते थे। तो अगर आप भी ऐसी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में ट्रेंड लाइन वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें। और लास्ट में हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,280 के लेवल के आसपास की। तो ये था बैंक निफ्टी का आज के वेडनेसडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अभी अपन है वन डे के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अपन को देखने को मिला कि बहुत दिन से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था। अगर मैं आपको एक रेंज मार्क करके दिखाऊं तो वो रहेगा ये वाले, जो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि जब भी इस लेवल के पास हमें बैंक निफ्टी ट्रेड होते देखने को मिला था, वहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम ही देखने को मिला था। पर हमें वेडनेसडे के दिन एक बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली, और वॉल्यूम भी हमें एक बहुत अच्छा वॉल्यूम बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो एक हमें ऊपर का मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यूएशन में बनते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 48,800 तक के बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर फिर अपन को 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया अपसाइड का मोमेंटम, अगर इस लेवल के ऊपर हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिलता है आगे अगले आने वाले दिनों में। तो अब अगर इसी बात पर डाउन साइड में अगर अपन यहीं पे एक अपन को कल के दिन एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए, या फिर बियर सिंगल पिंग कैंडल बनती हुई देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे एक अपन को एक हमें ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो इस लेवल के नीचे हमें डाउन साइड में बहुत अच्छी पैनिक मूवमेंट देखने को मिल सकती है डाउन साइड में, जो कि है 47,800 का लेवल, और इसके नीचे फिर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,411 का लेवल, और इसके नीचे अपन का फाइनल टारगेट रहेगा 46,919 के आसपास का लेवल। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंटम और कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे कल थर्सडे मंथली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अब आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहां देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे कल के दिन, जिसको मैं एग्जैक्ट मार्क करके दिखाऊं तो वो रहेगा 48,350 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करता है कल के दिन तो एक हमें ऊपर का मोमेंटम वापस से देखने को मिल सकता है, जिसमें कि सीधे अपना अगला टारगेट 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक के देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करता है थोड़ा सा टाइम सस्टेन करने के बाद, तो सीधे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे अपना 48,700 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 48,950 तक के देखने को मिल सकते हैं, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 49,050 तक के देखने को मिल सकते हैं, जिसे अपन 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 48,350 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला स्विंग लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि अराउंड 47,880 के आसपास का लेवल, तो इसके नीचे हमें डाउन साइड में मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 47,636 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर 47,400 के आसपास का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि है 47,200 के आसपास का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 46,900 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 47,884 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसे साइडवेज मोमेंटम में वो भी एक्सपायरी के दिन सिर्फ अपन को बहुत तेजी से प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेंगे।
और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 48,350 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउनसाइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि 47,884 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउनसाइड से अपन को ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने मिली, अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए और ऐसे एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे अपन को देखने मिलेगा कि इस पे हमें सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है बैंक निफ्टी 2-3 बार। तो इसीलिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करती है साथ साथ 47,884 का लेवल भी ब्रेकडाउन होता है तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।